वही संभल पुलिस ने 5 दिन पूर्व दिन दहाड़े हुई 2 लाख की लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट करने वाले 25-25 हजार के दो इनामी लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। 1.5 लाख रुपए की नकदी और अवैध असलाहा समेत 2 बाइक बरामद की है। बता दें कि 8 दिसंबर को असमोली थाना इलाके में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स से 2 लाख की नकदी लूटी थी, जिसके बाद लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए SP संभल ने SOG और सर्विलांस टीम को लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने गांव रतुपुरा के पास से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल जितेंद्र कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे लूट के 1.5 लाख रुपए, अवैध असलाहा समेत घटना में प्रयुक्त 2 बाइक भी बरामद की है, जबकि इनका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया है। 8/12/2021 में रामनिवास द्वारा अपने इसमें SBI बैंक में 2 लाख रुपए लेने के लिए गया। इनके द्वारा अभियुक्त के द्वारा रिकी करने के बाद वादी से 2 लाख रुपए लूटे गए। उसके उपरांत SP द्वारा तीन टीम गठित की गई। गठित करने के उपरांत टीम के द्वारा CCTV में द्वारा और मुखबर के द्वारा बदमाशों का आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद SP द्वारा 25-25 हजार के तीनों अभियुक्त पर मुकदमा इनाम पंजीकृत कराया गया। आज 13/12/2021 को मडन तिराई पर रतुपुर तिराई के पास ये घटना के अंजाम देने के लिए आए हुए थे। मुखबर द्वारा सूचना मिली, पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत इनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उसके जो रुपए बरामद 1,59,000 रुपए बरामद किए गए। सर SBI से मैं 2 लाख रुपए निकाल के ला रहा था, रास्ते में इन्होंने पेट्रोल पंप के सामने हाथ में हल्के धीमी कराने के बाद गाड़ी ले ली, जिसके उपरांत मैंने FIR कराई सर यहाँ पे थाने में और सर ने खुलासा किया। जी मास्क लगे हुए थे। अच्छा जी मास्क आप पहचान रहे पूरी तरह? जी। तो क्या ये वही बदमाश है? जी सर यही। क्या कहना चाहते हैं पुलिस के बारे में इसकी जो बड़ी सफलता है? जी पुलिस ने तो बहुत मेहनत करी है सर हमारे बारे में। और कितना आपके कितनी पैसे रिकवरी कितनी मिल गई है आपको?